नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो दल होता है, जो पूरे विधायक दल का नेता होता है, वो देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। उन्होंने कहा था कि लौट कर आएगा समंदर। क्या है पूरा मामला और कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेहरा, चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जी हाँ, बात करें तो चर्चाओं और अटकलों के लंबे दौर के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल हो गया है। खबर है कि बुधवार को ही कमेटी के बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया है। संभावना जताई जा रही है कि गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खास बात यह है कि साल 2019 का एक वीडियो क्लिप 2024 चुनाव के दौरान वायरल हुई थी, जिसमें फडणवीस कह रहे थे कि वो समंदर हैं और लौट कर वापस आएंगे। चंद्रकांत पाटिल ने सबसे पहले फडणवीस के नाम का प्रस्ताव किया, इसके बाद सुधीर मुंडू गिंतवार, पंकजा मुंडे समेत अन्य विधायकों ने नाम को आगे बढ़ाया। वहीं बात करें तो फडणवीस के नाम के पहले ही संकेत थे। भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र में केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए विजय रूपाणी ने पहले ही फडणवीस के नाम के संकेत दे दिए थे। रूपाणी ने सोमवार को कहा था कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी के उम्मीदवार शीर्ष पद का समर्थन करेंगे। रूपाणी के साथ भाजपा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को भी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसमें रंगपा चीफ अजीत पवार ने भी कहा था कि सीएम पद भाजपा के पास जाएगा और डीटी सीएम शिवसेना और आकवा से बनेगा। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा था कि मुझे लगता है कि कल होने जा रही बैठक में भाजपा के पर्यवेक्षक सभी विधायकों को सुनेंगे और कल देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान हो जाएगा। एकनाथ शिंदे को कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा हाईकमान ने पहले ही बता दिया है कि वो सीएम नहीं बनेंगे। उनके पास मायावती का अध्यक्ष बनने या केंद्रीय मंत्री बनने का विकल्प है, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं है, वह बहुत नर्वस हैं। शिंदे के सीएम बनने की चर्चा। जून जुलाई 2022 में शिवसेना के टूटने के बाद भाजपा ने शिंदे की मदद से सरकार बना ली थी। तब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद 100 से ज्यादा विधायक होने के बाद भी भाजपा ने सीएम पद पर शिंदे को काबिज किया था। अब 2024 विधानसभा चुनाव में मायावती की बंपर जीत के बाद फिर शिंदे को राज्य का शीर्ष पद दिए जाने की चर्चाएं होने लगी थी। कैसे मान गए? मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी चर्चाओं के बीच फडणवीस मंगलवार शाम शिंदे से मिलने उनके आवास वर्षा पहुंचे थे। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे बातचीत चली। इससे पहले शिवसेना प्रमुख को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने के चलते थाड़े स्थित जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह शुक्रवार को भी गाँव चले गए थे और तबीयत खराब होने की बात कही गई थी। हालांकि शिंदे लंबे समय से कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिए जाने वाले फैसले का समर्थन करेंगे। उन्होंने महायुति के दलों में मतभेद होने की भी बात इनकार कर दिया। उनके सिरबेते श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं थी, लेकिन उन्होंने खुद इससे इनकार कर दिया है। फडणवीस की सटीक साबित हुई भविष्यवाणी। साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और अविभाजित शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव था और गठबंधन टूट गया था। तब उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष बने फडणवीस ने कहा था कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। आपको पता होगा कि 23 नवंबर को घोषित हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में मायावती ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। गठबंधन राज्य के 288 में से 230 सीटें जीती। भाजपा को 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि शिवसेना को 57 और एनसीपी को 51 सीटें मिली थी। तो एक अपडेट था, इस तरीके से जो है महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही बन सकते हैं। बाकी अपनी राय बताएं। धन्यवाद।